मैं आप लोगों के दिलों में रहने आ रहा हूँ मेरे दोस्त। क्या राजा भोसड़ी के अंकल, हमें जरूरत नहीं है, तुमने तो जहाँ से आओ ना वहीं। लिखड़ा यही ठोस दूंगी जितने हैं तुम सारे का सारे। इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, गमों को लात मार के खेलेंगे। तू तो अपने गमों को लात मार के आ रहा है पर हमें को डिप्रेशन में पहुंचा रहा है। भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये वाली शायरी जिससे इंसान पहुंच जाए डिप्रेशन में। बात तो सही है। देख लो किस चुगली से चल गए ना इसकी नींद और चैन चुरा ली। देखो जरा गौर से, देखो जरा गौर से देख लो भाई, अपना तो जीना ही बेकार है मेरे भाई, जीना ही बेकार है मेरे को तो ऐसा लगता है। गाना तो एकदम बढ़िया पर भाई इन जोनी की परफॉर्मेंस जच ही नहीं रहा है ना मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं जच पा रहा है यार। और सैया सुपरस्टार को देख तो लो उसका चश्मा लगाने का अंदाज, वाह वाह। अरे राजा बाबू तुम तो छोटी बच्ची हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ? क्योंकि बेटा तुम छोटी बच्ची हो ही, क्योंकि तुम्हारी हरकतें भी छोटी बच्चे वाली है, तुम हो भी छोटी बच्ची, कौन से भ्रम में जीरो के एकदम बड़े हो गए हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, मेरी लुक देख के भी आपको छोटी बच्ची लगते है क्या? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। जो लुक है ना वो सामने फ्रंट से दिखाते हैं या थोड़ा साइड से भी दिखा सकते हैं, जिस तरीके से आप दिखा रहे हो ना ये छोटी बच्ची की पहचान है, बस ये दिखाने की कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्यों बात सही है कि नहीं है, पब्लिक जरा बता देना इसको। सच बता रहा हूँ, अगर तुम नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा किसी और पे। हाँ तो बेटा किसके ऊपर मर जाओगे, सुनियो के ऊपर मर जाओगे के या जियान के ऊपर मर जाओगे? कितने ऋषु के ऊपर तो नहीं मर जाओगे, सिंचन के ऊपर मर जाओगे बेटा? तभी कहते जरा कम कार्टून को देखो यार, जरा बेटा थोड़ा कम कार्टून देखो, किसके ऊपर मरोगे? नहीं अभी बेटा तुम्हारी एज भी कितनी है, तुम्हारी एज में तो अभी तुम इन्हीं के ऊपर ही मर सकती हो, और किसी के ऊपर तो मेरे को लगता नहीं कि मर जाओगे।